हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स के बारे में बात करूंगी। पॉट्स मतलब प्लांटर्स जो है, डिफरेंट टाइप्स के प्लांटर्स जिनमें पौधे लगाते हैं, वो कई तरह के होते हैं, उसके बारे में बात करूंगी। वो होते हैं मिट्टी के भी होते हैं, मेटल के भी होते हैं, सिरामिक होते हैं, सीमेंट के होते हैं, और ये अलग अलग तरह के पॉट्स होते हैं। और हर पॉट जो है, देखिए, ये नहीं हम कह सकते कि कौन सा पॉट बिल्कुल ख़राब है, कौन सा पॉट बिल्कुल अच्छा है। हम ये बात करेंगे आज कि कौन सा बेस्ट है, कौन सी कंडीशंस के लिए कौन सा प्लांटर अच्छा होता है, और इस पे आज हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँ कि जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है, तो ये जो मिट्टी के पॉट जो हैं, ये चले आए हैं बहुत ट्रेडिशनली पुराने समय से। तो ये जो मिट्टी के पॉट होते हैं, ये प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे इसलिए होते हैं कि जैसे मटके में पोर्स होते हैं, तो इनमें भी पोर्स होते हैं, और उन पोर्स में से थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकलता है। तो उससे क्या होता है, एक तो ओवर वाटरिंग का डर नहीं रहता पौधों को, एक्सेस वाटर होता है तो गमले के थ्रू भी बाहर निकल जाता है। दूसरा, वो जो थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है वो पौधे की जड़ों को ठंडक देता है। ठंडक बहुत ज़रूरी होती है। देखिए क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि गमला जो होता है ना, ये ऐसे है और यहाँ पे अंदर पौधे की जड़ें हैं, लेकिन जो हम जमीन में पौधा लगाते हैं उसमें क्या होता है, ग्राउंड लेवल है और पौधे सारी जड़ें नीचे चली जाती हैं, और नीचे पौधों को साइड से गर्मी नहीं लगती है जो हम पौधा जमीन में लगाते हैं, क्योंकि चारों तरफ मिट्टी है उसके। गमले के पौधे को क्या होता है, यहाँ पर गर्मी लगती है, यहाँ पर इसकी जड़ें हैं और यहाँ पर धूप पड़ती है, इस जगह डायरेक्ट इन बेचारों की जो जड़ें होती हैं उनको गर्मी लगती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो मिट्टी का गमला होता है वो जैसे मटका ठंडा हो जाता है, वैसे ये ठंडा होता है, तो इनकी जड़ों को वो वाली ठंडक मिल जाती है जो इनको जमीन के अंदर जब हम लगाते हैं तो वहाँ एक्सपोज नहीं होती हैं जड़ें। यहाँ पर जड़ें जो हैं वो हीट में एक्सपोज हो रही हैं, एक इन अ सेंस, यहाँ देखो तो यहाँ एक्सपोज ही है एक तरह से, ये कि यहाँ पर गर्मी पड़ती है। तो इसलिए मिट्टी का गमला जो है बहुत अच्छा होता है। लेकिन फिर भी जब हम कई बार उसमें जो पेंट करते हैं, ऑयल पेंट हमें नहीं करना चाहिए, वाटर बेस्ड पेंट करने से भी वो उसकी जो पोरोसिटी है थोड़ी सी बनी रहती है, और बिल्कुल पेंट नहीं करते हैं तो सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन फिर सुंदरता के लिए थोड़ा सा पेंट भी कर देते हैं हम, ताकि उससे फिर उसकी थोड़ी सी एफिशिएंसी कम हो जाती है, पोरोसिटी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी वो पौधों के लिए अच्छा रहता है कंपेरिजन टू अदर्स। पेंट हम थोड़ा सा इसलिए भी करते हैं कि आजकल थोड़े ज़्यादा पके हुए नहीं आते हैं गमले, तो पकने से नहीं आते हैं, तो जब हम पानी डालते हैं तो थोड़े टाइम बाद वो फूलने लग जाते हैं, इसलिए थोड़ा कलर करना पड़ता है, ताकि जो है पौधों को ये गमले जो है हमारे ख़राब नहीं हो, ये इनको सेफ करने के लिए भी हमें कलर करना पड़ता है। तो ये गमले सबसे अच्छे रहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि ये गमले भारी हैं तो इनमें मिट्टी डालते हैं तो भारी हो जाते हैं, तो जो बालकनीज में उगाते हैं या ऊपर छत पे आप उगाते हैं, कई जगह ऐसी कंडीशंस होती हैं वहाँ पर ये सुंदर भी नहीं लगते हैं लगे हुए, तो फिर उसके लिए दूसरी तरह के पौधे यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं वैसे प्लास्टिक प्लांटर्स कम यूज़ करती हूँ, लेकिन जैसे आप कंडीशंस हमें हो, हमारे छत पे हमें रखना है, भार हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो फिर प्लास्टिक के कंटेनर्स भी ठीक रहते हैं। प्लास्टिक के कंटेनर्स में एक ड्रॉबैक, हैंगिंग बास्केट्स के लिए भी ये अच्छे हैं, ताकि हल्के होते हैं ना, तो इनमें आप पॉटिंग मिक्स भी हल्का लीजिए, एक हिस्सा कोकोपीट मिला दीजिए, मिट्टी मिला दीजिए, वो उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि हैंगिंग बास्केट की कैसी होनी चाहिए पॉटिंग मिक्स, तो उससे क्या होता है कि ये हल्के रहते हैं, तो लटकाने में हल्के रहेंगे। अगर मिट्टी का पॉट हम ऐसे लटकाएंगे तो उस पॉट में ही बहुत सारा वेट होता है, तो वो जो है सही नहीं रहता है। लेकिन फिर आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्लास्टिक के पॉट ब्लैक आते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं, वो सर्दियों में भी तप जाते हैं, तो उनमें भी देखिए यहाँ पे जड़े हैं, इनमें यहाँ पे भी धूप लग रही है, तो इनको आप बिल्कुल धूप में यूज़ नहीं कर सकते प्लास्टिक के पॉट्स को, या तो फिर ऐसा पौधा हो जो बहुत धूप गर्मी बर्दाश्त कर सकता हो,
आम तौर पे इनको ज़्यादा धूप में आप रखेंगे तो ये उतने काले गमले जो आते हैं वो तो बहुत ही इस मामले में गड़बड़ होते हैं कि वो बिल्कुल काला रंग जो है वो गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और जड़ें आपके पौधे की सड़ जाती हैं। और दूसरा, इनमें पानी इवेपोरेट नहीं होता है। पानी इन गमलों में अगर आप लगाएं तो कम देना चाहिए आपको। ज़्यादा पानी देते हैं तो पौधा इनमें रॉटिंग जल्दी होती है। लेकिन फिर अगर आपकी मजबूरी है, आप फ्लैट्स में रहते हैं, आपको सुंदर दिखाना है और आपको ये पौधे छत पे लगाने हैं तो गमले भारी भारी इतने ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो हल्के गमले लगाने हैं तो आप इनको लगा सकते हैं। लेकिन फिर आप ब्लैक कलर लेना थोड़ा अवॉइड करें और इनको ऐसी जगह रखें जहाँ छाया रहे। पानी का इनमें ध्यान रखें अगर आप प्लास्टिक के गमले यूज़ करते हैं। और कई बार जैसे वेट कम करने के लिए ये अच्छे हैं, इनमें पॉटिंग मिक्स में कोको पीट भी अच्छा डाल दें तो जहाँ आप वेट नहीं ज़्यादा देना चाहते हैं और ये आसानी से एक में एक डाल के खूब सारे गमले हल्के होते हैं हम ला के लगा सकते हैं, वहाँ पर आप इनको लगा सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें पौधे की केयर थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी आप। तो ये जो प्लास्टिक के पॉट्स हैं इनमें नीचे होल्स भी ज़्यादा करने चाहिए आपको। और जैसे इनमें नहीं थे तो मैंने किए हैं, ये दो दो किए हुए हैं, इसमें इसमें ऐसे ये ज़्यादा होल्स होते हैं इसमें, इसीलिए होते हैं क्योंकि ये जो गमला है इसमें से पानी ज़्यादा बाहर निकल नहीं सकता है, इवेपोरेट नहीं होता है और इसलिए इसमें ये होल्स ज़्यादा होने चाहिए ताकि पानी बहुत ज़्यादा रुके नहीं और पौधा आपका गले नहीं। फिर ये सेरेमिक पॉट्स होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं इसलिए इनमें लगाए जाते हैं। ये मैंने नीचे मेरे पड़े हुए हैं सेरेमिक के, मैं वैसे मिट्टी के ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ एक्चुअली गमले, मेरे पास सेरेमिक प्लास्टिक की मैं बास्केट से ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई भी चीज़ ख़राब है, आपको किस कंडीशन में बेस्ट तो मिट्टी के हैं, किस कंडीशन में आपको चाहिए उसके लिए डिपेंड करता है। प्लास्टिक हमारी मजबूरी है, हमें ऊपर बाहर ले जाना है तो हमें उसे उस तरह से यूज़ करेंगे कि उनमें धूप ना लगे ज़्यादा। अच्छा, अब ये सिरेमिक है, सिरेमिक जो है ये प्लास्टिक से थोड़े से बेटर होते हैं। अगर अच्छा, एक तो हम बोन चाइना के ले लेते हैं कई बार सिरेमिक गमले, एक ये कुछ अलग मटीरियल के आते हैं, वो थोड़े से पोरस होते हैं वो गमले। अब आप ये भी मटेरियल देखिए, ये थोड़ा सा अलग होता है, इसमें भी दो तीन तरह की क्वालिटीज़ आती हैं। थोड़े महंगे जो आते हैं ना वो हल्का सा पोरस होता है, उसमें हल्की सी पोरोसिटी होती है, तो वो क्योंकि ये भी क्ले ही होते हैं एक तरह से, चाइना क्ले, तो वो जो वो होते हैं इनमें ये बेटर होते हैं प्लास्टिक से अगर आपको लगाना। लेकिन फिर इसमें भी वही बात है कि ये वाटर को ज़्यादा होल्ड करते हैं, ये भी भारी होते हैं। इनका एक ऑप्शन बहुत अच्छा है कि इनको जैसे बड़ा गमला आपको लगाना है तो आप छोटा गमला लगा के उस गमले को इनमें रख दीजिए अगर आप इंडोर्स में लगाना चाहते हैं। उससे क्या होगा कि आपका सुंदर भी हो जाएगा और आपको ये वाला पौधा इसमें मिट्टी वगैरह नहीं डालनी पड़ेगी तो वो अच्छा रहता है। उसको बाहर आप उठा के थोड़ा सा रख भी दें। मैं कई पौधों में अंदर वो दूसरे रख देती हूँ गमले और उनको इंडोर्स में रख देती हूँ तो वो सुंदर भी लगते हैं, सिरेमिक भी लगते हैं और हमारा वो पौधा भी मिट्टी वाले में ही ज़्यादा ग्रो करता है। तो सिरेमिक में देखिए मैंने ये लगाया हुआ है, सिरेमिक में भी अच्छे चलते हैं पौधे, लेकिन फिर वो उसमें भी थोड़ा सा पानी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पानी थोड़ा कम डालें। तो बस इनमें ये क्या है, ये टूटते बहुत जल्दी हैं और मेरी मेड ने दो चार कई बार तोड़ देती है पोचा लगाते हुए, तो ये टूटते बहुत जल्दी हैं। देखिए ये वाला भी यहाँ से टूट गया हुआ है, ये टूटते बहुत जल्दी हैं। और फिर जो है ये भी है कि इनमें डिज़ाइंस बहुत सुंदर सुंदर आते हैं, तो ये भी मैं ये नहीं करूँगी कि बुरे हैं, लेकिन बस ये है कि जब आप ऐसे पौधों में लगाते हैं तो इनमें वाटर ज़्यादा रिटेन करता है। ये देखिए अभी मैंने इसमें लगाने के लिए करा है, इसमें पोर्चुला का या कुछ विंटर्स में लगाना है मुझे, इसमें पोर्चुला का लगाया हुआ है मैंने, ये देखिए। तो और तो इनमें क्या होता है, डिज़ाइंस बहुत सुंदर सुंदर आते हैं, तो इनमें आप पानी का ध्यान रखें, थोड़ा पानी ज़्यादा नहीं दें। और पॉटिंग सॉइल मैं जहाँ तक कहती हूँ इसमें आप वो आर्टिफिशियल वाली डालें या आप आधी कोकोपीट, एक पार्ट कोकोपीट एक पार्ट वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी आधा हिस्सा मिट्टी डालें, इस तरह से इसकी जो है वो मिट्टी को आप तैयार करें ताकि वो लाइट रहे, क्योंकि इस पॉट में बहुत वेट होता है सिरेमिक में, तो मिट्टी लाइट रहनी चाहिए, पानी इसमें कम डालिए तो इसमें भी आपके पौधे बहुत अच्छे चल जाते हैं।
फिर मैं ये बात करूंगी सीमेंट के पॉट के। सीमेंट के पॉट्स की अपनी इम्पोर्टेंस है, इनके इम्पोर्टेंस ये है कि आपको जो है वो मिट्टी के गमले जो है वो, जैसे मैंने ये लगाए हुए हैं, देखिए ये बड़ी बड़ी ट्रेज लगाई हुई हैं, आपको ये ट्रे या तो प्लास्टिक में मिलेंगी या फिर सीमेंट में मिलेंगी। तो जैसे मैंने धूप में प्लांट को लगाना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या मैं प्लास्टिक लूँ या मैं सीमेंट लूँ। तो इसमें फिर मेरे को बेटर क्या रहता है कि मैं सीमेंट लूँ, प्लास्टिक से सीमेंट अच्छा है, ये कम गर्म होगा। तो इसलिए और फिर सीमेंट के गमलों में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये भारी होते हैं थोड़े से, तो इनको आप जहाँ पर आपको गमले को हिलाना नहीं है और इनमें वहाँ पर इनको रखिए। और इनके बड़े से बड़े साइज मिल जाते हैं, क्ले पॉट में आपको बड़ा साइज नहीं मिलेगा, 16 इंच से बड़ा गमला नहीं मिलेगा, तो आपको 20 इंच 22 इंच ऐसा चाहिए, तो या तो आपको प्लास्टिक लेना पड़ेगा या फिर सीमेंट लेना पड़ेगा। अगर आपको उठा के ले जाने की प्रॉब्लम है टेरेस पे कहीं पे, तो फिर आप प्लास्टिक लग सकते हैं, लेकिन फिर उसे आप छाया में रखेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे ये बिल्कुल धूप में रखने थे, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। मैंने ये पैरापेट पे रखे हुए हैं, फुल धूप आती है यहाँ पर जब मैं ग्रीन नेट जुलाई में हटाऊंगी, और ये यहाँ से मेरे को हिलाने नहीं है। तो एक बार थोड़ा सा मेहनत करके ले आए हम, तो उसके बाद अब इसको हिलाना नहीं है मुझे, तो इसलिए मेरे यहाँ ऐसी जगह अगर आपको रखने हैं तो ये बेस्ट है। तो ये लास्ट में बात करती हूँ मैं मेटल की। तो मेटल के प्लांटर्स जो हैं, जैसे ये ऐसे आते हैं, पीतल के बहुत सुंदर सुंदर प्लांटर्स आते हैं। अंदर रखने के लिए अगर आपको पीतल का प्लांटर लेना है ना, तो पीतल का प्लांटर लेके उसमें किसी प्लास्टिक के गमले में पौधा लगा के, क्योंकि अंदर धूप तो होती नहीं है, वो लगा देंगे तो हल्का भी रहेगा वो, और डायरेक्ट मेटल में आप ना लगाएं पौधा। और जैसे ये मेटल का है, इसमें मैं ये देखिए पोर्चुला का अभी लगाऊंगी बारिश में, अभी मैंने मिट्टी इसमें डाल के रखी हुई है और ऐसे हैंग करने के लिए अच्छे हैं। तो ये ठीक है, पर इनकी लाइफ थोड़ी कम होती है इस तरह के जो मैं ये लगा रही हूँ, तो इनमें थोड़ा सा आप प्लास्टिक की लाइनिंग लगा लें तो अच्छा है। ये भी बिल्कुल गर्म हो जाते हैं, आप जानते हैं मेटल तो गर्म होगा, ये भी धूप में गर्म हो जाते हैं, तो इनको आप ऐसे या तो छाया वाली जगह में यूज़ करें तो अच्छा है, और इनकी लाइफ कम होती है। और इनके अंदर दूसरे बड़े प्लांटर्स अगर आप लगाना लेना चाहते हैं तो बीच में दूसरा गमला रख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, जंग वगैरह इसमें लग जाता है, लाइफ कम है। तो बस मैंने ये कहा आपको कि ज़रूरत के हिसाब से होता है, बस केयर में फ़र्क होता है। लेकिन फिर भी अगर मैं लास्ट में रैंकिंग करना चाहूँ इनकी पॉट्स की, तो सबसे पहले तो सिरेमिक पॉट सबसे पहले तो ये क्ले पॉट होता है, टेराकोटा पॉट जो होते हैं, ये क्ले के सबसे अच्छे होते हैं मिट्टी के गमले। और सेकंड नंबर जो है वो सीमेंट के होते हैं, बड़े से बड़ा आ जाता है और साइज, और अगर आपको हिलाना नहीं है तो वो ठीक रहते हैं। और उसके बाद अगर मैं कहूँ तो प्लास्टिक भी ठीक है, लेकिन बस फिर आपको छाया में रखना है और उसकी केयर ध्यान से करनी है। और उसके बाद सिरेमिक पॉट्स, सिरेमिक पॉट्स भी बहुत सुंदर होते हैं, उनको लेके आप उनके अंदर भी प्लास्टिक के गमले या टेराकोटा रख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लगाना चाहें तो, और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। वैसे जैसे मैंने कहा हल्की सी पोरोसिटी होती है सिरेमिक पॉट्स में भी, तो वो प्लास्टिक से इस मामले में बेटर है, लेकिन मैं प्लास्टिक पहले रख के सिरेमिक बाद में रख रही हूँ, क्योंकि वो टूटने का डर रहता है उनको। और लास्ट में फिर मेटल के गमले में कहूँगी, मेटल में आप डायरेक्ट कभी भी मत लगाएं, मेटल के गमले में लगाना हो तो या तो उसको छाया में रख दें या फिर उसके अंदर दूसरा गमला लगा के इंडोर्स में लगाना चाहते हैं तो लगाएं। तो ये सारा मैंने अभी टाइप ऑफ पॉट्स के बारे में, कंटेनर्स के बारे में बात की है। एक बार मैं कभी ये वीडियो बनाना चाहूँगी थोड़े दिनों बाद कि किस साइज के और किस शेप के पॉट्स लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लांट्स के अकॉर्डिंग, वो मैं एक वीडियो जल्दी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।